चंद्रहासो वल्करा शुद्धलवर वाहना कात्यायनी शुवं ददिदाविनी दानवागितिनी या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो आदिशक्ति जगत जननी माँ विध्वंसिनी की। नवरात्र में नौ रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का छठवें दिन सिंह पर सवार हुआ भुजा वाला माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला होता है। ये अपने प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनका चार भुजाओं भक्तों के वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में होता है तो दूसरा हाथ वरण मुद्रा में होता है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल होता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश कर लिया जाता है। माँ कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली हैं। देवी कात्यायनी जी पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार पैदा करती हैं। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माँ कात्यायनी का पूजन दर्शन से धर्म अर्थ काम व मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग शोक संताप से मुक्त रहता है और खुशी को प्राप्त करता है। माता कात्यायनी की आराधना करने से मनचाहा पति और स्त्री की प्राप्ति भी होती है। विंध्य और माँ गंगा के तट पर विराजमान माँ विध्वंसिनी कात्यायनी का दिव्य रूप धारण कर भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। अब देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पतित पाविनी माँ भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान माँ विध्वंसिनी के छठवें दिन कात्यायनी के रूप में पूजन और अर्चना का विधान है। महिषासुर के वध के लिए उत्पन्न हुई देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की, इसलिए देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। विंध्य क्षेत्र में माँ को विध्वंसिनी अर्थात विद्यावासिनी के नाम से भी भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता रहा है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माता कात्यायनी सभी के लिए आराध्य है। माँ सभी भक्तों के मनोकामना को पूरा करती हैं। इस ग्रस्त जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होती है वो सभी प्रदान करती हैं। माता कात्यायनी बड़ी ही दयालु हैं और भक्त जिस कामना करते हैं और पूजन अर्चना करते हैं उनके मंत्रों का जप करते हैं वो उन्हें प्रदान करती हैं। धाम में आने पर ममता बरसाने वाली माता का दर्शन पाकर सभी भक्त विभोर हो जाते हैं। माता के ममताई छवि को निहार कर इस कदर निहाल होते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक समय कत नाम का प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी पालन पोषण के लिए था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ा तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप कांच देकर देवी को उत्पन्न किया और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी के कठिन तपस्या और पूजन किए। इसी कारण से ये देवी कात्यायनी कहलाई। माता कात्यायनी के पूजन से आदिचक्र जागृत होता है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा राजन गुरु विंध्याचल था। आज नवरात्र का छठा दिन षष्ठम कात्यायनी तिथि कात्यायनी भगवती का आज नवरात्र का दिन है और महिषासुर का जब आतंक इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था तो उस समय ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज को एक किए करके एक देवी को उत्पन्न किया था और उसी देवी का पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था। इसीलिए तीन दिन पूजन करके दशमी को भगवती ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। चार भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ है, पिंक कलर के वस्त्र को भगवती धारण की है। आज के दिन ईशान कोण में भक्त इनकी पूजा करके ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनी स्वाहा इस मंत्र का 16 माला जप करें और शहद
और सिंघाड़ा का हलवा और अंगूर का भोग लगावे तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और आज के दिन आज्ञा चक्र का जागरण होता है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। आद्याय महामाये महायोगिन्य अधीश्वरे नंद गोपा सुतम देवी पति में कुरते नमः। जो कुमारी कन्याएं हैं, बहने हैं, वे अपने सुंदर वर की प्राप्ति के लिए यदि आज इस मंत्र का जप करेंगी तो निश्चित रूप से भगवती कात्यायनी की असीम कृपा अवश्य होगी। और आज के दिन जो भक्त पूजन करते हैं इस प्रकार से अपने आप को माता के चरणों में समर्पित करते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। और आज के दिन जिस जातक के कुंडली में चंद्रमा का दशा महादशा खराब चल रहा है वह भी शुभ फल देने लगता है। भगवती की ऐसी कृपा होती है। जय मां विंध्यवासिनी। देश के कोने कोने में श्रद्धालु माँ विध्वंसिनी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जयकारा लगाते हुए दर्शन पाने के लिए बेताब रहते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ की ममता सभी पर बरसती है। पीहू नाम है, बनारस यहीं के हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं, एकदम शांति से। हाँ, सब। और 9 दिन का मेरा काफी साल, कई साल से व्रत हम रहते हैं और यहाँ पे दर्शन करके काफी अच्छा लगता है। और माँ से आज तक हमने जो भी मांगा है उसको माँ ने पूरा किया है। कैसा लग रहा है अभी मेरा पूजन चल रहा है? कैसा लग रहा है नवरात्र? अब तो काफी अच्छा यहाँ पे बन भी गया है और गवर्नमेंट तरफ से भी वो कॉरिडोर बन रहा है और यहाँ पे आके दर्शन भी अब आराम से हो रहा है। पहले जो दर्शन काफी दिक्कतें होती थी यहाँ पे दर्शन करने में, अच्छा लग रहा है। आज तो आए मतलब 10-15 मिनट में दर्शन हो गया, इतनी जल्दी दर्शन कभी नहीं मिले आज तक। जगत का कल्याण करने वाली माता का भक्त नवरात्र में 9 दिनों की मां के अलग अलग रूपों में पूजा कर सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन पाकर सभी कष्टों से छुटकारा पा जाता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखिए।